अदनान साहब के साथ आप पहली बार रहो? नहीं नहीं नहीं, पहली बार नहीं है। अदनान इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर एंड ही सैंग टू सॉन्ग्स बिफोर झूम, बट झूम इज मे वेरी स्पेशल फिल्म ऑफ माई बिकॉज ऑलवेज बी सुभाष जी बापी लहरी कॉम्बिनेशन ऑलवेज सुपर हिट। आज से नहीं, 25 साल से, जब से डिस्को डांसर बना। लेकिन आज सबसे बड़ी जो न्यूज़ है, उनका बेटी मालवी का शी इज़ द डायरेक्टर एंड सुभाष जी सन इज़ द प्रोड्यूसर आशेरिया बब्बर एंड आई थिंक सो इज ग्रेट इवेंट। उनका और एक बेटी मालवी का स्वेटा बब्बर इज़ द डायरेक्टर, मालविका इज़ द राइटर एंड आई थिंक सो इज़ अ वेरी यंग फिल्म एंड अदनान इज बेस्ट चॉइस ऑफ द सॉन्ग एंड आई थिंक सो इज सॉन्ग विल बी द वेरी बिग हिट। झूम इज़ अ बिग हिट 100% बिकॉज जो ट्रेंड सेटर हम लोग हैं, जो ट्रेंड सेट किया था हम और सुभाष जी ने डिस्को डांसर से, वही चल रहा है आज। इट्स टाइम टू डिस्को, आई थिंक सो झूम। बट झूम इज ए मेलोडियस, नॉट लाइक चिकना चिल्लाना और लाउड म्यूजिक नहीं है। इट्स ए रिदम, इट्स ए लाइक माई स्टाइल, यार बिना चैन कहाँ रे, याद आ रहा है तेरा प्यार, झूम 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 बाबा, समथिंग लाइक दैट। वेरी गाना तो वेरी हिप हॉप स्टाइल का है, वेरी रिदमिक, फुट टैपिंग, बट उसमें क्या है, मेलोडी है। आई ऑलवेज लाइक मेलोडी एंड झूम का जो गाना है, हर गाना में एक मेलोडी लाइन बहुत अच्छा है। गाया मैंने, फर्स्ट टाइटल सॉन्ग मैंने गाया, मैं गाया, बाद में शान गाया, माई डॉटर रेमा भी शान का साथ गाए, और आज जो गाना हो रहा है सुपर हिट सॉन्ग है, स्पेशल सॉन्ग है बिकॉज अदनान इज वेरी गुड वॉइस एंड इट इज़ द मोस्ट पावरफुल वॉइस इन दिस इंडस्ट्री एंड अदनान इज सिंगिंग एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड आई थिंक क्रॉस फिंगर सॉन्ग विल बी वेरी बिग हिट। यू हैव अ स्टाइल ऑफ योर ओन इन योर म्यूजिक, अदनान हैज अ वॉइस व्हिच हैज अ स्टाइल, इज द सॉन्ग व्हिच इज गोना बी रिकॉर्डेड टुडे विल इट बी फ्यूजन ऑफ बोथ ऑफ देम? बिकॉज I am also singer. I also sang for other music writer. But Adnan has got style and is always his style public ko pasand aata hai. Aur mera hisab se is very big way gana jo aayega is bahut hi bada hit ho jayega. इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, इट्स अ ग्रुप सॉन्ग, रोमांटिक ग्रुप सॉन्ग एंड आई थिंक ये जो सिचुएशन है, जो एक झूम जो पूरा ग्रुप है, जिन लोग कुछ बहुत बड़ा स्टार बनना चाहते हैं, म्यूजिकल स्टार, उन लोग कैसे कैसे करके एक स्टेप से आगे आगे जा रहे हैं एंड इट्स वेरी गुड सिचुएशन। इसके अंदर रोमांटिक भी है, उनको ग्रुप है, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग ओ जाना यू नो समथिंग लाइक दैट। बट अभी तो एक गाना हो रहा है और एक गाना हो। ये तो हम लोग गाना अभी पहले ही हम लोग कंपोज करते हैं। कभी कभी हम लोग सिंगर सोच के गाना नहीं बनाते। गाना बनने का बाद पूरा मेरा घर में स्टूडियो है, वहाँ हम लोग एक राफ ट्रैक रिकॉर्डिंग हुआ जिसमें मैंने गाया गाना, उसके बाद मेरा वॉइस जब सुना मैंने, बोला ये वॉइस किसका सूट होता है, शान, सनू निगम, अदनान स्वामी, यू नो अदनान इज द बेस्ट चॉइस। हाउ डू यू सी लाइक दी सुभाष जी के साथ आपका कॉम्बिनेशन वाज अ ग्रेट पेयर, लाइक यू नो दिस टाइम हाउ यू सीइंग विद द डॉटर? फैंटास्टिक, दे आर वेरी टैलेंटेड एंड स्वेटा द डायरेक्टर वेरी गुड,
Malavika, the writer, both the daughters are very talented and producer, the beta hai, mera bachcha hai, bahut hi khubsurat. Unka ek zindagi mein kuch, I think, मैं देख सकता हूँ जो इन लोग आगे आएंगे बहुत, बिकॉज उन लोग के अंदर है कुछ नयापन करने का. बस गॉड ब्लेस देम. नो तो हमारा घर के जैसे है, फैमिली है. सुभाष जी का साथ मेरा फैमिली रिलेशन है. आज से नहीं, मेरा 25 साल से सुभाष जी का साथ, तकदीर का बादशाह से हम लोग को शुरू हुआ ये सुभाष जी और पप्पी लहरी कॉम्बिनेशन. हम लोग को बस ये पूरा फैमिली जो है, जैसा मेरा बेटा पप्पा लहरी, ही इज डूइंग टोटल अरेंजमेंट्स एवरीथिंग, अपना दैट लाइक फैमिली. क्या हमें वो डिस्को डांसर कसम पैदा करने वाली डांसर वैसे कोई याद आ जाएगी इस फिल्म से लेकर, याद दिलाएगी? डेफिनेटली. मैं तो पहले ही बताया, डांस डांस जो पिक्चर था ना, डांस डांस झूम झूम, इट्स लाइक समथिंग लाइक दैट, वेरी इमोशनल एंड वेरी लाइक. हम लोग लव लव भी किया था आमिर खान का साथ, बहुत ही अच्छा पिक्चर था. तो झूम का सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट है. झूम का आज का है, आज का युवा पीढ़ी का है, आई थिंक जो पब्लिक को बहुत पसंद आए. नहीं, मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ. जब गोविंदा आया था इल्ज़ाम में, तब मैं हीरो था, गोविंदा स्टार बन गया. मिथुन जब आया था डिस्को डांसर में, सुरक्षा हुआ था, उसके बाद डिस्को डांसर से सुपर स्टार बन गया. तो आई डोंट बिलीव, नया स्टार आज नया है, कल पुराना हो जाएंगे. मैं हमेशा नए लोग को इनक्रेज करता हूँ, चाहे कोई म्यूजिकल कॉन्टेस्ट हो सिंगिंग के लिए, सिंगर को मैं ऑलवेज इनक्रेज करता हूँ. डिस्को डांसर में जैसे नए नए सिंगर थे, विजय बेनेडिक्ट थे, पार्वती खान थे, टार्जन में आलिशा जी नए थे, विशुभाष जी ने ब्रेक दिया. हम लोग काफ़ी सिंगर, सलमा आगा को दिया झुम झुम, अपना कसम पैदा करने वाले की झुम 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 बाबा जो गाना था. तो ये सब चीज़ हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, नए टैलेंट को ब्रेक दिया. आज सब बड़े बड़े पॉप स्टार बन गए. उषा उत्तुप को हम लोग लेके आया था, कोई यहाँ आया नाचे नाचे, सुभाष जी का पिक्चर में डिस्को डांसर. तो काफ़ी बड़े 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 सिंगर छोड़ के हम लोग नए नए लोग को लेके आए, लेकिन सब बड़ा पॉप स्टार बन गया. तो बस ये पिक्चर में नया स्टार है, और मेरा उम्मीद है ये भी अच्छा काम करे. और न्यू जो डायरेक्टर है आज का, यंग जोश सोएटा, बहुत अच्छा काम करे. आई हैव सीन द सॉन्ग, वन ऑफ द सॉन्ग पिक्चराइजेशन. हाँ बोलिए. अदनान का वॉइस क्वालिटी इज़ वेरी गुड. उसका अंदर एक क्या है, वॉइस में एक ठहराव है, जो अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, जब गाना गाते हैं पब्लिक को पसंद आता है, कान में अच्छा लगता है. हर काफ़ी सिंगर्स है गाना गा देते हैं, लेकिन ये बहुत दिल से गाते हैं, गाना समझ के गाते हैं. एंड आई लाइक हिज वॉइस वेरी मच.